मेहूरी जो आप देख रहे हो जो स्टाइल स्टाइल आज मैंने क्रिएट किया है ये वाला मेकअप लुक। ये एक्चुअली शायस्टाइल इंस्पायर्ड मेकअप ट्यूटोरियल है। फिर दुर्गा पूजा के टाइम में उन्होंने ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल क्रिएट किया था, तो मैंने उनसे इंस्पायर होकर ये वाला लुक फिर से रिक्रिएट किया है। एक्चुअली यूट्यूब में एक ट्रेंड चल रहा है कि मतलब एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर का जो मेकअप ट्यूटोरियल है उसका इंस्पायर्ड लुक बनाते हैं, तो मैंने भी कोशिश की, पता नहीं मैं कितने हद तक कर पाई हूँ। तो एनीवेज अगर आपको देखनी है देन कीप ऑन वॉचिंग, बट बिफोर गोइंग टू द मेन वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, और उसके बाद एक बेल आइकन भी दिखेगा उसको भी जरूर क्लिक करें। एंड थैंक यू टू शाइमा क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया है और मुझे ये लुक रिक्रिएट करके बहुत ही अच्छा लगा। अगर अभी तक आप लोगों ने उनका चैनल चेक नहीं किया, ऑफकोर्स चेक किया ही होगा, बट अगर अभी तक आप लोगों ने उनका चैनल चेक नहीं किया है प्लीज़ डू चेक आवर चैनल, सी इज़ वेरी क्यूट एंड अमेजिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। उन्होंने अप्लाई किया है वो कलर बर का प्राइमर जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। तो उन्होंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है मैं भी वैसे ही अप्लाई करूँगी। उन्होंने यहाँ अप्लाई किया है लाइक थोड़ा सा और यहाँ टी जोन एरिया में। फिर उन्होंने कोई ब्रश वगैरह नहीं लिया, हाथों से ब्लेंड किया, तो मैं भी हाथों से ब्लेंड करूँगी अच्छे से। फिर फाउंडेशन के लिए उन्होंने यूज़ किया है मेबलिन फिट मी फाउंडेशन जो मेरे पास है, तो मैं भी वही फाउंडेशन लगाऊंगी। और उन्होंने यूज़ किया है पुना स्टोर का ब्यूटी स्पंज जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करूँगी वेगा का ब्यूटी ब्लेंडर। उन्होंने ब्रश से ब्लेंड नहीं किया, उन्होंने यूज़ किया है सेम ब्यूटी स्पंज जो पूना स्टोर से उन्होंने ली थी, तो मैं भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड कर लिया, अभी मैं करूंगी कंसील। और उन्होंने यूज़ किया है एलेगर्ल का कंसीलर जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यूज़ करूंगी एडियस का 2-in-1 कंसीलर कम फाउंडेशन। तो उन्होंने जहाँ जहाँ लगाया है जिस तरीके से लगाया मैं भी बिल्कुल उसी तरह से लगाने की कोशिश करूंगी। लाइक उन्होंने यहाँ लगाया है अंडर आई में, फिर ब्रिज ऑफ द नोज 13 हो गया है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे लगाए हैं फोरहेड, फिर क्यूपिड बो के ऊपर, फिर लिटिल बिट ऑन चिन, फिर माउथ के साइड में भी लगाया है। फिर उसने ब्लेंड किया है इसको सेम ब्यूटी स्पंज से, तो मैं भी यूज़ करूँगी सेम ब्यूटी स्पंज। सॉरी उन्होंने यहाँ पे भी लगाया है लाइक आईलिड पे, तो मैं लगाना भूल गई, बट अभी मैं लगाऊंगी। अपनी फेस को लेक में एब्सोल्यूट पाउडर रेडियंस कॉम्पैक्ट जो मेरे पास है, उसके बाद उन्होंने अपने फेस को कंट्रोल किया है सिवाना का पैलेट लाइक उनका, मेरा भी सिवाना का ही है लेकिन उनका रेक्टेंगुलर है और मेरा सर्कुलर है, बट एनीवेज आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट। और उसके बाद उन्होंने दिया है एक एंगल ब्रश जो मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं एंगल ब्रश बनाऊंगी एक बॉबी पिन की हेल्प से। बस आपको अपने ब्रश को ऐसे करके पिन कर लेना है, तो देखिए बन गया। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया है हॉलो ऑफ द चीक्स, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया उन्होंने, तो मैं भी नहीं लूंगी। नोज में थोड़ा सा किया है कंटूर, बहुत ज़्यादा नहीं किया है लाइक उन्होंने, तो मैं भी बहुत ही कम प्रोडक्ट लेके ऐसे करूँगी नोज़ को कंटूर। उसके बाद उन्होंने किया गया है यहाँ पे क्या कहते हैं इसको जॉ लाइन, तो ये मेरा अच्छे से ब्लेंड नहीं है डोंट वरी, तो अभी मैं ब्लेंड कर लूँगी इसको भी अच्छे से। ब्लेंड करने के लिए उन्होंने यूज़ किया है सेम पैलेट, तो मैं भी सेम पैलेट ही यूज़ करूँगी। तो उन्होंने क्या कहाँ कहाँ पर किया है, उन्होंने किया है टिप ऑफ द नोज, फिर ब्रिज ऑफ द नोज, उसके बाद उन्होंने चिन पे भी अप्लाई किया है, फिर उन्होंने लगाया है चिन चिक पे लाइक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिक, हो रहा है विजिबल, हाँ ग्लोइंग तो ग्लो तो हो रहा है। फिर इस साइड में भी अप्लाई किया है उन्होंने, तो हाइलाइटिंग हो गया है। अभी लेट्स मूव ऑन टू ब्लशर, उन्होंने यूज किया है एडियस का ब्लशर जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यूज करूंगी सॉरी उल्टा है हाफ एंड हाफ का ब्लशर। क्या है उन्होंने यहाँ पे लगाया है एप्पल ऑफ आवर चिक्स देन लिटिल बिट अबव हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर चिक, तो
उन्होंने आईब्रोज को फिल किया है आईब्रो पाउडर लेकर, जो मेरे पास नहीं है। एक्चुअली मैं यूजुअली अपने आईब्रोज को फिल करती हूँ पेंसिल से इन प्लेस ऑफ आईब्रो पाउडर, तो आज मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट। ये है हिली रोडा का आई शेडो पैलेट। तो उन्होंने किया है जो फर्स्ट हाफ है वहाँ तक उन्होंने ब्राउन कलर का शेड, लाइट ब्राउन कलर का शेड यूज़ किया है, और उसके बाद जो सेकंड हाफ है मतलब जो एंड का पार्ट है मिडिल से, उन्होंने यूज़ किया है लाइट ग्रे कलर का शेड लेकर। मेकअप उन्होंने यूज़ किया है मेकअप रिवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट, जो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं यूज़ करूँ सिवाना का आई शेडो पैलेट। उन्होंने एज अ ट्रांजिशन कलर डार्क ब्राउन शेड लिया है, तो मैं भी सेम ही करूँ। है गोल्डन कलर का शेड उन्होंने अपने क्रीज लाइन पे प्लेस किया है, तो मैं यूज कर रही हूँ, क्या पैलेट है इसका नाम, क्यू नियो का पैलेट है। तो यहाँ पे जो यू नो गोल्डन शेड दिख रहे हैं वो शेड लेकर मैं अपने आईलिड पे प्लेस कर लूंगी, अपने उंगली से ही कर लूंगी। उन्होंने कोई ब्रश वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। लाइक दिस कलर इज सो प्रिटी। काफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड किया है, तो मैं भी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई हर्श लाइन ना रहे। बिल्कुल उसने ठीक ही कहा है, तो वही मैं कर रही हूँ। ये वाला शेड उन्होंने प्लेस किया है आउटर थर्ड में, अपनी उंगली से ही उन्होंने प्लेस किया है, तो मैं भी अपनी उंगली से ही प्लेस करूंगी। कलर को ही अपने लॉयर लैश लाइन पे भी लगाया है, बट उन्होंने कोई ब्रश वगैरह यूज नहीं किया, उन्होंने अपनी उंगली से ही लगाया है, तो मैं भी अपनी उंगली से ही लगाऊंगी। बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम, मैंने कभी उंगली से अपने लॉयर लैश लाइन पे नहीं लगाया, बट लेट्स सी। यू नो क्रीज एरिया को अच्छे से ब्लेंड किया है, तो मैं भी वैसे ही करूंगी, ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अपने क्रीज एरिया को ताकि कोई हर्श लाइन ना रहे। एंड उन्होंने ये भी किया है जो लोअर लैश लाइन जो उन्होंने लगाई थी उंगली से, उसको भी अच्छे से ब्लेंड किया है सेम ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। उसके बाद यहाँ फिर से मैं गोल्डन आई शेडो लेकर इनर थर्ड ऑफ माय आईलिड में प्लेस कर रही हूँ लाइक हाँ। उसके बाद यहाँ पे लोअर लैश वाटर लाइन, नॉट लैश लाइन, एंड अपर वाटर लाइन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू हेवन की काजल से। उन्होंने यूज़ किया है एलेटिन का काजल, मेरे पास फिलहाल तो ब्लू हेवन का काजल ही है, एलेटिन का नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ विंक आईलाइनर ड्रॉ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट ग्लो का पेन आईलाइनर, उन्होंने भी पेन आईलाइनर ही यूज़ किया है। आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। वो क्या करती है मुझे पता नहीं, फिर ऐसे ही लगाऊंगी जैसे उन्होंने लगाया है। पेन लाइनर को लोअर लैश लाइन के पास मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूं वेगा आईलैश कर्लर से। आईलैश को कर्ल करने के बाद उन्होंने लगाया है मस्कारा, तो यहां पे मैं यूज कर रही हूं मेबेलिन कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा। उन्होंने जो मस्कारा लगाया है वो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत अपर आईलैशेस एंड लोअर आईलैशेस में सेम मस्कारा से ही लगा रही हूं। फिर उन्होंने ऑफ द कैमरा अपने आईलैशेस को लगाया है, बट मैं नहीं लगाऊंगी फॉल्सेस, तो मैं भी करूंगी अपने इनर कॉर्नर, आईज के इनर कॉर्नर को हाईलाइट। उसके बाद उन्होंने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट किया है लाइक यहाँ अच्छे से, तो मैं भी करूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ग्लैम 21 का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 9। तो मैंने नोटिस किया कि मेरा लिपस्टिक पिंक कलर का है और उनका लिपस्टिक रेड कलर का है, तो अभी मैं रेड कलर का लिपस्टिक लगाऊंगी, इसके ऊपर ही लगाऊंगी लाइक मैं बहुत आलसी हूँ। एनीवेज तो मैं इसके ऊपर ही अपनी रेड कलर का लिपस्टिक लगाऊंगी, ये L18 का लिपस्टिक है। का मेकअप फिक्सर से तो मैंने भी कर लिया है। फिर एट द एंड उन्होंने बड़ा वाला बिंदी लगाया है रेड कलर लाइक, नहीं पता नहीं। So guys, this is the final look. I hope you enjoyed the video. अगर आपको ये video अच्छा लगे then don't forget to leave a like for this video. And guys, please subscribe कर लेना मेरे channel को अगर आप नए हो, and bell icon को भी जरूर दबाना। See you soon, bye bye.